Hello friends, welcome to Surbhi Online Education and I am Surbhi Agarwal and today's topic is Trigonometric Functions of Class 11th. Friends, we have seen previous video mein Trigonometric Functions ke domain, range and graph discuss kiye the. Aaj hum unka dekhenge ki wo periodic function hai ya nahi hai aur periodic hai to kis par wo repeat hote hain. To yadi hum sine ki baat karte hain, sin theta plus 2n pi, क्योंकि आपका sin 2 pi पर repeat होता है, means जब भी वो अपना angle complete कर देता है, यहाँ से start होकर यहाँ खत्म हो जाता है, और उसके आगे फिर से यदि ये बढ़ता है, तो ये अपनी values repeat करता है, means ये 2 pi पर periodic है, तो sin theta plus 2n pi के बाद वापस इसकी value sin theta के equal हो जाएगी. Similarly यदि हम cos थीटा प्लस 2n पाई की बात करते हैं, कॉस भी आपका 2 पाई पर रिपीट होता है, 2 पाई के पीरियडिक है, 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू वापस थीटा के इक्वल हो जाती है, तो कॉस थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉस थीटा. सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल, कॉस साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, and sec theta plus 2n pi is equals to sec theta. यदि हम आपके t function tan theta की बात करते हैं, तो tan आपका pi पर periodic है, means pi 180 चलने के बाद वापस इसकी value repeat होने लगती है. ऐसा क्यों है? Friends, first quadrant में tan positive है, second में negative है, अब वापस first quadrant में वो फिर positive हो जाता है, और fourth quadrant में फिर नेगेटिव हो जाता है, मींस यहाँ यहाँ की प्रॉपर्टी सेम यहाँ और यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, तो ये पाई पर ही पीरियडिक हो जाता है, मींस थीटा प्लस एन पाई इज इक्वल टू टेन थीटा. सिमिलरली कॉट थीटा प्लस एन पाई इज इक्वल टू कॉट थीटा. यदि आपके एंगल माइनस में है, तो साइन कॉस और आपके अदर टी फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं वो देखते हैं. यदि आपका साइन माइनस थीटा आता है, तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा. सिमिलरली इसके रेसिप्रोकल भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है, मींस ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा. यदि हम कॉस की बात करते हैं, कॉस में बाहर माइनस बाहर नहीं आएगा, अब इसका माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, सेम सेक भी इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, सेक थीटा हो जाएगा. बट यदि हम टेन माइनस थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो यदि टेन माइनस थीटा है, तो इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा. सिमिलरली कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हमने आपके दो क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी बुक के, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, एक्सरसाइज नंबर 3.2. देखते हैं साइन 765 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट स्टेप लेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा एंगल है 765, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 765 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, तो पाई अपॉन 180, 9 से कट करते हैं, 9 टू जा 9, 8 जा 9, 5 जा, फिर इसे 5 से कट कर देते हैं, 5 4 जा और 17, मीन्स ये आ गया 17 पाई अपॉन 4, मीन साइन 765 इज इक्वल टू साइन 17 पाई बाय 4. हम इसे 2n पाई की फॉर्म में रखेंगे, साइन पाई प्लस 16 पाई बाय 4 मीन साइन पाई बाय 4 प्लस 4 पाई. देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, साइन थीटा प्लस 2n पाई की इक्वल्स टू साइन थीटा, मीन साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2.
फ्रेंड्स अब इसका दूसरा देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 जो है cosec माइनस 1410। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1410 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। थ्री से कट कर देते हैं, 3 6 18, 3 4 12, 3 7 21, 47π/6। कॉसेक का माइनस बाहर आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा कॉसेक माइनस 1410 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक 1410, मीन्स ये हो गया माइनस कॉसेक 1410। अभी हमने रेडियन में फाइंड किया 47π/6, पाई माइनस पाई प्लस 48π/6 माइनस पाई बाय 6 प्लस 8π। फ्रेंड्स ये वापस आपका थीटा प्लस 2nπ, कॉसेक थीटा प्लस 2nπ, कॉसेक थीटा की फॉर्म आ गई, मीन्स माइनस कॉसेक माइनस पाई बाई 6, अगेन माइनस बाहर आ जाएगा, मीन्स ये प्लस का हो जाएगा, कॉसेक पाई बाई 6, और कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2। फ्रेंड्स तो हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस और इसे नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली मिले, सो सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अवर चैनल इज सुरभि ऑनलाइन एजुकेशन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, अवर फेसबुक पेज इज सुरभि ऑनलाइन एजुकेशन। यदि आप हमें कोई मेल करना चाहते हैं, कोई क्वेरी पूछना चाहते हैं, आप यूट्यूब कमेंट के थ्रू या फेसबुक पेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं surbhionlineeducation@gmail.com पे। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए, सो प्लीज लाइक अवर वीडियोस।